हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक फ्रेंच हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसकी मुझे कई बार वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है। इस मूवी का नाम है मार्टिर्स, जिसका सही मतलब मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। इस मूवी को पास्कल लॉगिर ने डायरेक्ट किया है और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार से, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसी मूवीज़ को रिलीज़ होने से पहले ही बैन कर दिया जाना चाहिए, और इसके कई कारण हैं जो आप वीडियो को देखकर खुद ही समझ जाएंगे, और बाकी इसे मैं मूवी के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक 8-10 साल की बच्ची काफ़ी बुरी हालत में थी। वो चिल्लाते हुए एक स्लॉटर हाउस से भाग रही थी और उसे पुलिस द्वारा बचा लिया जाता है। अब ये बात 1971 की थी जब ये लड़की पुलिस को मिली थी, जिसका नाम लूसी था। पुलिस और डिटेक्टिव ने उस स्लॉटर हाउस की जांच की, जहां से उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन वहां पड़ी चीज़ों से ये ज़रूर पता चल रहा था कि लूसी को यहाँ पर काफ़ी समय से रखा गया था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। लूसी को इस टॉर्चर का काफ़ी गहरा सदमा लगा था और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया गया, जहां पर वो किसी से भी बातें नहीं करती थी। और कुछ समय बाद उस ऑर्फनेज से उसे एक फैमिली के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, जहां उनकी बेटी एना लूसी का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखने लगी और लूसी भी बस उसी से बातें किया करती थी। एक दिन एना के घर डॉक्टर्स की टीम एना से लूसी के बारे में पूछताछ करने आई, क्योंकि लूसी किसी से बातें नहीं करती थी और एना ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे लूसी सब कुछ शेयर किया करती थी। एना उन्हें बस इतना बताती है, लूसी को वहाँ पर अंधेरे में रखा जाता था, जिससे उसे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसे अभी भी ये लगता है कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम के जाने के बाद रात को जब एना सोने के लिए अपने कमरे में आती है, तो वो देखती है कि लूसी डर के मारे बाथटब में छुपी है और उस पर खरोंचों के निशान थे। लूसी सोते समय कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है, लेकिन रात को वो दरवाज़ा अचानक खुल जाता है और एक डरावनी क्रिएचर लूसी पर हमला कर देती है, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि एक घर में एक फैमिली काफ़ी खुश थी, और वो फैमिली स्लॉटर हाउस के पास वाले घर में रहते थे, जिसके दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। यहाँ पर गैब्रियल नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ रहती थी, और वो सभी एक साथ लंच कर रहे थे, और तभी कोई उनके यहाँ का गेट नॉक करता है, जिसे गैब्रियल का हस्बैंड खोलने जाता है, और दरवाज़ा खोलते ही उस पर कोई शॉटगन से फायर कर देता है, जिससे गैब्रियल का पति वहीं मर जाता है। और फिर एक एक करके गैब्रियल और उसके बच्चों को भी शॉटगन से मार दिया जाता है। हम देखते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि लूसी है, जो 15 साल बाद काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसे गैब्रियल का चेहरा अभी भी याद था, और लूसी को एक न्यूज़ आर्टिकल से गैब्रियल और उसके घर के बारे में पता चला। लूसी एक टेलीफोन बूथ पर कॉल करके एना को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन लूसी को वही क्रिएचर वापस दिखाई देती है, जो कि एक लेडी थी। वो काफ़ी बुरी हालत में थी और वो एक इंसान से ज़्यादा शैतान लग रही थी। वो डरावनी क्रिएचर लूसी की पीठ पर एक बड़े से कटर से कई सारे वार करती है, जिससे कि लूसी जान बचाकर वहाँ से भागती है, और तब तक वहाँ पर एना आ जाती है। एना देखती है कि लूसी काफ़ी घायल है और उसने उस घर के सभी लोगों को मार डाला है। एना ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो लूसी की परवाह करती थी। वो लूसी की पीठ के घावों को वहीं पर सिलती है और लाशों को ठिकाने लगाने में लूसी की मदद करती है, जहां पर लूसी उसे बताती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके साथ
15 साल पहले इतनी बेरहमी की थी। लूसी वहीं पर आराम करती है और एना लाशों को एक एक करके गड्ढे में डालती है, लेकिन उन लाशों में से गैब्रियल अभी भी जिंदा थी। एना उसे लूसी से बचाने की कोशिश करती है और उसे छुपा देती है, लेकिन गैब्रियल की चीख की आवाज़ लूसी सुन लेती है और उसे वही डरावनी क्रिएचर दिखाई देती है जो उसे फिर से मारने आती है। वो बाथरूम में लूसी के ऊपर चढ़कर एक कटर से उसके पैर में मारती है कि तभी वहाँ पर एना आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर लूसी के अलावा कोई नहीं दिखता। लूसी को पता चलता है कि गैब्रियल अभी भी जिंदा है और वो एना को एक ऐसा राज बताती है जो उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। 15 साल पहले जब लूसी उस स्लॉटर हाउस में कैद थी, तब उसे वहाँ पर एक साल से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर बात पर मारा जाता था और वहीं पर उसने गैब्रियल का चेहरा देखा था। लूसी को एक दिन वहां से भागने का मौका मिलता है और जब लूसी वहां से भाग रही थी, तब उसे एक और लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर लूसी जब उसे देखने की कोशिश करती है तो उसे एक लड़की जिसका नाम सारा था, वो काफ़ी बुरी हालत में दिखती है, जो अपने आप से बातें कर रही थी। वो लूसी से खुद को वहाँ से छुड़ाने का कह रही थी, लेकिन लूसी ने उसे नहीं बचाया और वो अकेली ही वहाँ से भाग गई। तभी नीचे से गैब्रियल के चिल्लाने की आवाज़ आती है और लूसी उसे मारने जाती है। एना भी गैब्रियल को बचाने जाती है, लेकिन लूसी एक हथौड़े की मदद से गैब्रियल का सिर पीट पीट कर उसे मार डालती है और एना पर काफ़ी गुस्सा निकालती है कि आखिरकार उसने गैब्रियल की मदद क्यों की। और लूसी के अपसेट होते ही वो डरावनी क्रिएचर लूसी के पास आती है और एक रेजर से उसके बाजुओं को काट देती है, जिससे कि लूसी का काफ़ी खून बहता है। और फिर वो क्रिएचर लूसी का सिर पकड़कर उसका सिर दीवार में जोर जोर से मारती है, लेकिन असलियत में वहाँ पर कोई भी नहीं था और लूसी खुद ही अपना सिर दीवार में पीट रही थी। एना लूसी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी खिड़की से बाहर कूद जाती है और एक धारदार रेजर से अपना गला काट लेती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जब लूसी उस स्लॉटर हाउस से भाग रही थी और वहां पर उसने सारा को नहीं बचाया, जिस वजह से लूसी को उसका काफ़ी गिल्ट हुआ और उसने अपने दिमाग में एक काल्पनिक क्रिएचर बना लिया जो उसे गैब्रियल को ख़त्म करने का कहती थी। लेकिन गैब्रियल के मरने के बाद भी वो लूसी के दिमाग से नहीं गई, जिससे परेशान होकर लूसी ने खुद का गला काट लिया और आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। एना अपने घर पर कॉल करके इस ट्रेजडी के बारे में बता ही रही थी कि उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है और वहाँ का रास्ता एक सीक्रेट चैम्बर में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वही टॉर्चर चैम्बर है जहाँ पर लूसी को रखा गया था। और सिर्फ लूसी ही नहीं, बल्कि कई सारी लड़कियों को यहाँ पर टॉर्चर किया गया था। एना को वहाँ पर एक चेन दिखाई देती है जिससे कोई बंधा हुआ था, और उसकी नज़र कोने में एक लड़की पर पड़ती है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके हाथ पैर और सिर में स्टील के बेल्ट बंधे हुए थे। एना उस लड़की को बाहर लाती है और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर एना उसे एक बाथटब में बैठाती है और उसके सिर में लगे मेटल बेल्ट को एक स्क्रू ड्राइवर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कीले उसके स्कल यानी कि खोपड़ी में धंसी हुई थी, जिससे कि उसे काफ़ी दर्द होता है। और वो बेल्ट खींचने पर उस लड़की के सिर की चमड़ी भी उस बेल्ट के साथ खींची चली जाती है और वहाँ से काफ़ी खून बहता है, जिसे छिपाने के लिए एना उसका सर टॉवेल से ढक देती है। फिर एना लूसी की डेड बॉडी के पास जाती है और उससे एहसास होता है कि लूसी बिल्कुल सच बोल रही थी और टॉर्चर चैम्बर से आई ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी जिसका ये हाल कर दिया गया था। एना देखती है कि सारा खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है और वो काफ़ी आक्रामक हो जाती है कि तभी एक औरत सारा के सिर में गोली चलाकर उसे मार देती है। और फिर कई सारे लोग आकर गैब्रियल के घर की जांच करते हैं। वो एना को पकड़कर टॉर्चर चैम्बर में ले जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ी औरत हाथ में एक किताब लिए आती है जिसे सब मैडम कहते हैं, और वो एना से कहती है कि यहाँ पर लाए गए सभी विक्टिम को चार स्टेज तक टॉर्चर किया जाता है।
अब ये चार स्टेजेस कौन कौन सी है वो आपको खुद ब खुद मूवी के एंड में पता चल जाएगा। मैडम एना को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, लेकिन यहाँ नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में। और इनमें सबसे कॉमन बात ये थी कि इनकी आंखें एक अजीब पोजीशन में खुली हुई थी। उनका शरीर मर चुका था और उनकी आत्मा जिंदा थी। और सबसे बड़ी बात, ये सबके सब लड़कियाँ नास्तिक थी जिन्होंने भगवान से उन्हें अपने पास बुलाने तक की प्रार्थना नहीं की, और यही असल शब्दों में मार्टिर्स थी। मैडम भी यही दोहराना चाहती थी, इसीलिए उसने कई लड़कियों पर ये टॉर्चर किए, क्योंकि औरतों में मर्दों से ज़्यादा दर्द सहने की ताकत होती है। और ये कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है। मैडम के जाने के बाद एना को एक बंद अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली थी। उसे बस इतना खाना दिया जाता था जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सके, और एना को ऐसे ही कई दिनों तक छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और एना की जंजीरें खोल देता है, जिससे कि एना खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वो आदमी लगातार एना को कई घंटों तक पीटता रहता है और फिर हर रोज़ ऐसा ही चलता रहता है। एना को थोड़े से खाने के साथ साथ कई घंटों की मार भी खाना पड़ रही थी। एना की हालत दिन पर दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसे पड़ने वाली मार में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। वो अकेले अंधेरे कमरे में पागल जैसे ही होने लगी थी। उसे कई सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। और एक दिन ऐसा होता है कि एना को खाना देने वाली औरत उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसका दर्द जल्दी ही दूर होने वाला है, क्योंकि अब उसे टॉर्चर की आखिरी स्टेज से गुजरना था। एक आदमी एना को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे एक मशीन पर लेटाकर उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है। फिर उसे मशीन पर ही उल्टा कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि काले कपड़े पहने एक आदमी एना के कपड़ों को उसके शरीर से हटा देता है और एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एना अपने सेंसेस में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। एना के शरीर की पूरी चमड़ी निकाल ली जाती है। उसके पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ पर भी चमड़ी थी वहाँ पर बस अब अंदर का मांस था। उसके चेहरे की चमड़ी छोड़कर उसके पूरे शरीर की चमड़ी निकाल ली गई थी और एना को वहीं पर लटकाकर छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं कि वो लेडी जो एना को खाना देने आया करती थी, वो मैडम को कॉल करती है और कहती है कि एना की आंखें बिल्कुल वैसी हो गई है जैसा कि वो उन फोटोग्राफ्स में देखा करते थे। और ये सुनकर सभी के सभी काफ़ी एक्साइटेड महसूस करते हैं। मैडम और उसके आदमी तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और मैडम एना के पास आकर दूसरी दुनिया के बारे में पूछती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा। और एना मैडम के कान में कुछ फुसफुसाती है जिससे कि वो काफ़ी चौंक जाती है। और अगले ही दिन मैडम के घर पर एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे। मैडम का असिस्टेंट सभी को एड्रेस करता है कि कल दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में एना ने मौत के उस पार की दुनिया को देखा और उसने लगभग 2 घंटों तक मौत के पार की दुनिया का एक्सपीरियंस किया। वो एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने 4th स्टेज के टॉर्चर को पार किया। वो आदमी सभी को बताता है कि एना अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन मैडम को उसने वो सब कुछ बताया लेकिन उसने मैडम को सब कुछ बताया कि मौत के उस पार की दुनिया कैसी है, जिसे कुछ ही पलों में मैडम सबके सामने बताने वाली है। फिर मैडम का असिस्टेंट उन्हें बुलाने जाता है जहाँ पर मैडम उससे पूछती है कि क्या वो मौत के पार की दुनिया की कल्पना कर सकता है। असिस्टेंट कुछ समझ नहीं पाता कि मैडम क्या कहना चाहती है, और मैडम बस इतना कहती है कि इसे जानने के लिए उसे मरना होगा। और फिर मैडम खुद को गोली मार देती है और ये राज जो सभी लोग जानना चाहते हैं वो मैडम के साथ ही खत्म हो जाता है। और हम एना की बॉडी को देखते हैं जो सिर्फ एक जिंदा लाश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मार्टिर्स का असल मतलब क्या है, और मूवी में जो इतना टॉर्चर लड़कियों को किया जा रहा था उसका असल मकसद क्या था।
दरअसल मार्टिर्स को इस मूवी में विटनेस कहा जाता है, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि जिन्होंने मौत के बाद की दुनिया को देखा हो। लेकिन हर कोई मार्टिर नहीं बन पाता, क्योंकि हर किसी के पास इतना दर्द सहने की काबिलियत नहीं होती। मैडम एक सीक्रेट फिलोसोफर ग्रुप की लीडर थी, जो ये जानना चाहते थे कि मौत के बाद की दुनिया कैसी होती है। इसीलिए वो कई लड़कियों पर 4 स्टेजेस में टॉर्चर करते थे। पहला स्टेज, जिसमें लड़कियों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता था, और ऐसी स्थिति में कोई भी आम इंसान पागल हो जाया करते हैं। दूसरे स्टेज में उन लड़कियों को सिर्फ इतना खाना दिया जाता था जिसमें कि वो सिर्फ जिंदा रह पाए। तीसरे स्टेजेस में लड़कियों को मौत के करीब तक पीटा जाता था, और आखिरी यानी कि चौथे स्टेज तक तो सिर्फ ऐना ही पहुंच पाई थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। और फोर्थ स्टेज में उसका शरीर मर चुका था और बस उसकी आत्मा जिंदा थी, जो कि मौत को काफ़ी करीब से देख कर आई थी। मैडम को ऐना ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लेकिन मैडम ने अंत में आत्महत्या कर ली, क्योंकि अगर मौत के बाद क्या होता है यह जानना है तो उसके लिए किसी न किसी को मरना ही होगा। मैंने आपसे कहा था कि इस मूवी को बैन होना चाहिए, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मूवी में बताया गया है कि कोई भी औरत किसी भी मर्द से ज़्यादा सहनशील होती है, और इस मूवी में लड़कियों पर टॉर्चर की हदें पार कर दी। माना कि औरतों में मर्दों से ज़्यादा दर्द सहने की ताकत होती है, और ये सच भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि किसी भी औरत या लड़की को हद से ज़्यादा प्रताड़ित करें, जो कि इस मूवी द्वारा एक बहुत ही गलत मैसेज दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाली है।